नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सटा थेस। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। अगले साल फरवरी या मार्च तक तीन तरह की वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी। 100 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिए वंदे मेट्रो, 100 से 550 किलोमीटर के लिए वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए वंदे स्लीपर। ये तीनों तरह के वंदे भारत फरवरी से मार्च तक तैयार हो जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने आगे कहा कि जून के मध्य तक हर राज्य को वंदे भारत रेलगाड़ी मिल जाएगी। वैष्णव ने आगे बताया कि शताब्दी, राजधानी और लोकल ट्रेन की जगह लेने की तैयारी कर रही यह स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी चेन्नई के कोच निर्माण कारखाने में बनाई जा रही है। वैष्णव ने कहा, हर 8वें या 9वें दिन कारखाने से एक नई रेलगाड़ी निकल रही है। दो और कारखानों में काम शुरू होने जा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी न्यूज है उन लोगों के लिए जो वंदे भारत ट्रेन की इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं। लोकल ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर सुपरफास्ट, हर ट्रेन की जगह पर अब सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत ट्रेन दौड़ने वाली है। यह जानकारी साझा की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। दोस्तों, क्या वंदे भारत ट्रेन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी भारतीय रेलवे में? और अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी जाती है तो पुराने पैसेंजर्स और एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों की क्या होगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या अश्विनी वैष्णव जी के कहे गए बातों पर कितने समय में ये इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है और कब तक पूरे तरीके से वंदे भारत ट्रेन हर राज्य और हर शहरों को जोड़ने में सक्षम हो पाती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।